एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूँगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। बिना यह देखे कि गुरु की आँखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गाँव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था जहाँ लाखों चींटियाँ थी। उनमें से कुछ चींटियाँ लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियाँ एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास तक पहुँच सकती हैं, जिसके वजह से ये लाखों चींटियाँ बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुँचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुँह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी ज़िंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हों या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डीमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को संतावना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है,
और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।